क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा, अटैच अंडरग्राउंड कमरे ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल, पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। गोसाईगांव ग्राम पंचायत से धनंजय कुमार उर्फ दमदम यादव ने दिया नामांकन। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में गोपालपुर प्रखंड पंचायत का चुनाव होना है। वहीं इस बाबत गोपालपुर के गोसाईगांव पंचायत के निवर्तमान मुखिया सह मुखिया संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार उर्फ दमदम यादव ने सोमवार को अपना नामांकन प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में गोपालपुर प्रखंड कार्यालय में दिया है। वहीं नामांकन के बाद हजारों का हुजूम उनके समर्थकों का पहुंच गया, जहां जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया था। वहीं पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि उनके पंचायत का 95% कार्य हो चुका है, 5% कार्य शेष है जिसे करना है। इसके बाद नई नई योजनाओं से पंचायतवासियों का लाभ एवं पंचायत का विकास करना है। वहीं मौके पर उनके परिवार के अलावा हजारों की संख्या में समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। नॉमिनेशन के बाद उन्हें बधाई देने समाजसेवी गौतम कुमार यादव, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी जेम्स फाइटर पिंटू यादव, रोहित यादव, मिथुन यादव, राजेश कुमार झा, विनोद कुमार, संकेत सुमन, दिलीप कुमार, शंभु यादव आदि मौजूद होकर उन्हें नामांकन पर बधाई दी। नामांकन तो हर लोग का विकास ही होता है, विकास लगभग 95% करती है। 95% मैं विकास कर चुका हूँ, पूर्व में 5% विकास बचा है मेरे पंचायत का, जो मैं इस बार करूँगा। क्या कमियां रह गई थी पिछले पंच वर्षीय जो इस बार चला रही है? कुछ कमियां रह गई, जो आचार संहिता लग गया वो भी पूरा होता, लेकिन 95% से अधिक काम मैंने पंचायत का पूरा कर दिया है। जो बचा है इस बार मैं 100% करूंगा। गोपालपुर से जिला परिषद पद पर रूपम प्रिया राज ने दिया नामांकन। बार बार हो रहे ठगी का शिकार, एक बार बेटी को भी करे स्वीकार। विगत 20 वर्षों से जिला परिषद पद पर जिस तरह से मतदान कर मतदाताओं ने अपने आप को उस समय तो संतुष्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिला। बार बार एक ही शिकायत रही कि जीतने वाले जनप्रतिनिधि कोई कार्य नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मतदान करते समय कोई भी सूझबूझ व अपनी जागरूकता न दिखाने की बजाय आंख मूंद कर किसी पर भरोसा कर उन्हें वोट दे देते हैं। इसलिए इस बार ठगी का शिकार न होकर बेटी को करें स्वीकार, ये कहना था नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद गोपालपुर जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रिया राज का। उन्होंने कहा कि उनका मायका गुड़ीहारी सैदपुर है व ससुराल खरीक प्रखंड अंतर्गत भवनपुरा। उन्होंने अपने मायके गोपालपुर प्रखंड से नामांकन दिया। उन्होंने कहा कि विगत कई पंचवर्षीय योजना से लोग जिला परिषद से सिर्फ ठगी का शिकार हुए हैं। उनके पति ग्राम सेवक हैं और वो भी समाज सेवा से जुड़कर अपने जन सेवक बनना चाहती हैं। वहीं मौके पर उनके भाई विभास कुमार भारती ने बताया कि वे दोनों भाई बहन लगातार कई महीने से जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक गांव में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। अनुरोध करते हैं कि प्रखंडवासी जिला परिषद पद पर मतदान करने से पहले एक बार जरूर सोच समझ लें, प्रत्याशी से जरूर मिले व सही उम्मीदवार का चयन करें। वहीं नामांकन केंद्र के बाहर रूपम प्रिया राज के साथ उनके पुत्र भानु कुमार, पुत्री भाई के अलावा सैकड़ों की संख्या में समर्थक उपस्थित थे। सबसे पहले तो मैं अपना पूर्ण जो है न परिचय देना चाहूँगी। मैं इस गोपालपुर प्रखंड में रूपम प्रिया राज गोरिहारी गांव और पंचायत सैदपुर से यहाँ की पहले बेटी हूँ। उसके बाद मेरा जो है खरीक प्रखंड और भवनपुरा पंचायत से मैं वहाँ की बहू थी और 16-17 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। अपना जगह निवास स्थान जो है मेरा यहीं पे है, गोसाईगांव पंचायत में। और आपने कहाँ से नामांकन दिया है, किस पद? गोपालपुर प्रखंड से। किस पद के लिए आपने नामांकन दिया? जिला परिषद पद से। क्या कहना चाहेंगी मतदाताओं को, आप क्या मैसेज देना चाहती? मतदाता को यही मैं कहना चाहूँगी, जो देख रहे हैं अब अगले पिछले 20 वर्ष से सबको तो बना के देखने किए, एक बार जो है हमको भी सेवा करने का मौका दिया जाए
और सबको देख लें, टटोल लें कि क्या प्रत्याशी कैंडिडेट है उस ढंग की नहीं, तभी वोटिंग करें, उसके बाद में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और क्या होगा चुनावी मुद्दा, क्या होगा मैडम आपका? मेरा चुनाव मुद्दा यही होगा, जैसे कि गोपालपुर प्रखंड मेरा एक परिवार के तरह है, तो इस चीज़ को मैं विकसित से जो है इसको लेके चलना चाहूँगी, और स्वास्थ्य और ये स्वास्थ्य जो अपना होना चाहिए एक प्रखंड के रूप में, वो चीज़ मैं लेके आऊँगी। मेरे पति जो है लड्डू मंडल, वो भवनपुरा पंचायत से है और वो जनसेवक सरकारी सेवा में है, वो जनसेवक के रूप में आम लोगों की जो है सेवा में लगे हुए हैं, और पत्नी रूपम प्रिया राज, और ये पब्लिक सेवा में अपने तरीके से जो है जो विकसित होना चाहिए समाज, एक जो जाना चाहिए एक और, उसके उस लेके मैं जाना चाहती हूँ, ताकि हमको भी लगे कि नहीं भाई एक पति है तो वो अपने सरकारी सेवा में जो है पब्लिक की सेवा कर रही है, और मैं अपने जनप्रतिनिधि के सेवा में आना चाह रही हूँ। जनता जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा। नाम विभास कुमार भारती, ये मेरी बहन है रूपम प्रियराज देवी, और इन ये 6 महीना से पूरे प्रखंड में पंचायत वाइज घूम रहे हैं, एक भी गांव ऐसा नहीं है जो कि छूटा है प्रत्याशी से, और हम सिर्फ साथ में रहते हैं और प्रत्याशी अपना घर घर जा कर के घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के मतदाताओं को आप? आपकी बहन चुनाव लड़ रही है, आप दोनों भाई बहन जो है प्रचार में, जनसंपर्क में है, क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं को? मतदाताओं को पूरा प्रखंड हमको विकसित करना है, और प्रखंड में जितना योजना है सारा चीज़ ला करके इनके द्वारा विकास करना है, और यही आग्रह है जनता लोगों से भी। आपकी बहन मायके से चुनाव लड़ रही हैं और ससुराल में इनका नाम है और मायके। महिला बदलियाकरण पखवाड़ा का क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रबंधक ने लिया जायजा। क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रबंधक ने अरुण प्रकाश ने अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में चल रहे महिला बंध्याकरण पखवाड़े का जायजा लिया। ज्ञातव्य हो कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनुमंडल अस्पताल में बंध्याकरण पखवाड़ा आरंभ हो गया। स्वास्थ्य प्रबंधक ने अस्पताल के महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती लोगों से मिलने वाले खाना व नाश्ते के बारे में रोगियों से पूछताछ की। अस्पताल में प्रसव कक्ष को भी देखा। उन्होंने कहा नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर अस्पताल उपाधीक्षक अरुण कुमार सिन्हा, डॉक्टर ज्योत्सना, डॉक्टर वरुण कुमार, डॉक्टर देववर्त कुमार भी मौजूद थे। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। गोपालपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव में सोमवार को 293 प्रत्याशियों ने करवाया नामांकन। गोपालपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए गोपालपुर प्रखंड कार्यालय में 293 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया। इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखिया पद के लिए 30 प्रत्याशी, पंचायत समिति के लिए 20, सरपंच पद के लिए 13, वार्ड सदस्य के लिए 165 प्रत्याशी, पंच के लिए 65 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार पुलिस पदाधिकारी के साथ मौजूद थे। वहीं इस्माइलपुर प्रखंड में भी नामांकन कार्य सोमवार को नियमित रूप से जारी रहा। बीडीओ ने बताया कि यहां पर 50 से अधिक उम्मीदवारों ने मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंच पद के उम्मीदवार ने नामांकन किया है। रंगराय एनएच 31 के किनारे वृद्ध महिला का मिला शव, इलाके में सनसनी। रंगरा चौक ओपी क्षेत्र के रंगरा चौक के पास
NH 31 किनारे से वृद्ध महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि 6 माह पूर्व महिला रंगरा चौक आई थी। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। रंगरा चौक पर ही महिला मांग कर खाती थी। सुबह लोगों ने NH 31 किनारे शव देखा। महिला के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। वहां पर ठंड से बचने के लिए लकड़ी में आग जलाकर तापा गया था। वहां राख भी थी। महिला उत्तर प्रदेश की उर्मिला देवी 50 वर्षीय बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना रंगरा ओपी पुलिस को दी। रंगरा ओपी प्रभारी मेहताब खां पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया गया। वहीं ओपी प्रभारी मेहताब खां ने बताया कि चौक पर गाड़ी ठीक कर रहे मिस्त्री ने बताया कि सुबह महिला रोड किनारे पानी में गिर गई थी। ठंड से थर थर कांप रही थी। उसे पानी से बाहर निकालकर आग जला दी गई। वो बैठकर आग ताप रही थी। इसी दौरान मौत हो गई। पानी में महिला कैसे गिरी पता नहीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। गोपालपुर से जिला परिषद पद पर निर्वर्तमान जिप निशा भारती ने दिया नामांकन। अंतिम 11 चरण में हो रहे पंचायत चुनाव में नामांकन का दौर जारी है। इस बीच नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर जिला परिषद क्षेत्र से निर्वर्तमान जिला परिषद निशा भारती पति विकास भारती ने सोमवार को अपना नामांकन अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में दर्ज कराया। वहीं नामांकन के बाद बाहर निकलने पर प्रत्याशी के समर्थकों ने उन्हें फूलमालाओं से स्वागत किया। मौके पर प्रत्याशी के प्रतिनिधि सह पूर्व जिला परिषद सदस्य विकास कुमार भारती ने कहा कि उन्हें गोपालपुर प्रखंड की जनता का पूर्व से प्यार मिल रहा है और हमेशा मिलता रहा है। वे जनता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उन्हें जितना भी कार्य मिला उन्होंने बखूबी ईमानदारी से पूरा किया। क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं जिनका निपटारा इस पंचवर्षीय में निश्चित रूप से किया जाएगा। वहीं प्रत्याशी के नामांकन में कोई दर्जन महिला पुरुष समर्थक उपस्थित थे। नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन चौक नवगछिया। डुमरिया चपरखट पंचायत से सुनीता कुमारी ने मुखिया पद पर दिया नामांकन। समर्थकों का उमड़ा सैलाब। पंचायत चुनाव के 11वें अंतिम चरण में चल रहे नामांकन प्रक्रिया के दौरान डुमरिया चपरखट पंचायत से सोमवार को डुमरिया निवासी सुनीता कुमारी ने मुखिया पद से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके समर्थन में नामांकन जुलूस में पंचायत के हजारों महिला और पुरुष समर्थक शामिल थे। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुखिया प्रत्याशी सुनीता कुमारी ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य पंचायत में भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बिचौलियों और माफियाओं के चंगुल में फंसे पंचायत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन्हें डुमरिया चपरखट पंचायत के मतदाता एवं जनता का आशीर्वाद मिला तो वे महिला प्रत्याशी होने के नाते महिलाओं के अधिकार और विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब निसहाय दलितों और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए भरपूर प्रयास करेंगी। खासकर उन्होंने युवाओं और बालिकाओं को शिक्षा और रोजगार दिलाने का संकल्प व्यक्त किया। उनके समर्थन में राम प्रसाद मंडल, अनीता कुमारी, सेवानिवृत्त शिक्षक देव नारायण दास, विनोद मंडल, गोपाल मंडल, खगेश्वर मंडल, नीतीश कुमार, गौरव यादव, वीरेंद्र दास, सुमित कुमार, संजीव कुमार, पलकधारी ठाकुर, नारायण हरिजन, विशन देव शर्मा उनके समर्थन में नामांकन जुलूस में शामिल थे। क्या नाम है, किस पद से नॉमिनेशन दिए हैं, किस पंचायत से? आपका चुनावी मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार और दलालों से पंचायत को मुक्त कराएंगे और युवाओं को शिक्षा और रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्राम पंचायत से जनता से अपील करना चाहती हूँ, मुझे भी एक बार सेवा का मौका दें। मैं आपके पंचायत का नाम पूरे राज्य में रोशन करूँगी। गोसाई गांव ग्राम कचहरी से सरपंच पद पर विनीत कुमार साह ने दिया नामांकन।
पूर्व से सामाजिक कार्यों में जुड़े समाज सेवी युवा सिंधिया मकनपुर निवासी विनीत कुमार साह ने गोसाई गांव ग्राम कचहरी से सरपंच पद हेतु गोपालपुर प्रखंड कार्यालय में सोमवार को नामांकन दिया है। वहीं नामांकन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए विनीत कुमार साह ने बताया कि अपने ग्राम पंचायत व ग्राम कचहरी क्षेत्र में शांति सद्भाव के साथ मिलजुल कर रहना एवं आपसी समझौता करवाना उनका सबसे बड़ा कार्य होगा। वहीं मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार युवा की ओर परिवर्तन की लहर है और इसी लहर में युवाओं व पंचायत वासियों के विचार पर वे चुनावी मैदान में सरपंच पद पर चुनाव लड़ रहे हैं जिस बाबत नामांकन दिया है। वहीं मौके पर उनके सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। नवगछिया में गोपालपुर जिला परिषद पद पर 4 ने दिया नामांकन। नवगछिया मंडल कार्यालय में जिला परिषद के चुनाव के लिए 5 प्रत्याशी ने नामांकन कराया है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी यतिन कुमार पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गोपालपुर प्रखंड के जिला परिषद के लिए गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर निवासी विकास कुमार भारती की पत्नी निशा भारती ने नामांकन कराया है। तिनटेंगा निवासी मुकेश कुमार की पत्नी ब्यूटी कुमारी ने नामांकन कराया है। लड्डू मंडल की पत्नी रूपम प्रिया राज देवी ने नामांकन कराया है। वहीं सिंधिया मकनपुर निवासी मदन कुमार की पत्नी खुशबू देवी ने नामांकन करवाया है। इस्माइलपुर प्रखंड के जिला परिषद पद के लिए इस्माइलपुर के मालपुर निवासी विपिन कुमार मंडल की पत्नी बबीता कुमारी ने नामांकन करवाया है। नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। मारपीट के मामले में दो सगे भाई को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। टोलवजा थाना क्षेत्र अंतर्गत फुद्दी टोला निवासी गोविंद मंडल के दोनों बेटे अरुण मंडल व हीरालाल मंडल को एक मारपीट के मामले में डोलवजा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एएसआई संजय कुमार ने बताया कि बीते 8 नवंबर को बकरी चराने को लेकर दोनों सगे भाइयों के बीच मारपीट हो गया था, जिसमें अरुण मंडल के माथे पर गंभीर चोट लगने से वह जख्मी था। घटना के बाद दोनों भाइयों ने आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सोमवार को गिरफ्तार कर दोनों भाइयों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 3 के विरुद्ध थाने में मारपीट के मामले में दिया आवेदन। भवानीपुर ओपी क्षेत्र में सोमवार को खरीक थाना क्षेत्र के भवनपुरा निवासी मोहित भूषण ने नारायणपुर के 3 व्यक्ति के विरुद्ध भवानीपुर ओपी में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है, जिसमें मारपीट छिनतई का आरोप लगाया गया है। भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी।